ग्राम पंचायत बाइगोर के सरपंच पति के द्वारा वहां के नागरिकों की योजनाओं को लेकर, हक अधिकारों को लेकर लगातार हो रही उपेक्षा के कारण वहां के नागरिकों के गुस्से का फूटा गुब्बार 100 से 150 की तादाद में विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े के पास ग्राम पंचायत बाइगोर के सरपंच पति के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे विधायक कार्यालय पांसेमल। ग्राम पंचायत बाइगोर के सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े को पृथक पृथक लिखित में शिकायती आवेदन सौंपे एवं साथ ही ग्राम पंचायत बाइगोर की पिछले 10 वर्ष में लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ दिया गया एवं कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए, ऐसी अनेक शिकायत लिखित में विधायक महोदया सुश्री चंद्रभागा किराड़े को सौंपे गए एवं उच्च स्तर से ग्राम हित में जांच कर न्याय करने की मांग की गई। वही यूनिट इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने बाइगोर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा बेबाकी से समस्याएं बताई गई। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए विधानसभा पांचमल से ज्ञानेश्वर लाड की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बाइगोर के नागरिकों ने इकट्ठा होकर सरपंच पति के खिलाफ भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में पिछले 10 वर्षों से हमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया गया है। हमारे जॉब कार्ड जरूर बने हैं लेकिन हमारे खातों में मजदूरी का पैसा भुगतान नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत बाइगोर के 100 से 150 की तादाद में आए लोगों द्वारा बताया गया कि सरपंच पति द्वारा कई निर्माण कार्यों में पंचायत में अनियमितताएं की गई हैं। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर पूर्ण किए गए हैं किंतु धरातल स्थल पर उन कार्यों की गुणवत्ता और कार्य ही कई कई जगहों पर गायब है। विगत इन वर्षों में सरपंच पति द्वारा या सरपंच द्वारा कभी भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जाता है। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन होगा ही नहीं तो ग्रामीणों को कैसे पता चलेगा कि पंचायत में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत में योजनाओं के संबंध में या निर्माण कार्यों के संबंध में पूछे जाने पर सरपंच पति द्वारा हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा जंगू पटेल। और विधायक महोदय से मिलने के लिए क्या समस्या लेकर आए थे? हम गांव के समस्या जी। कौन सी पंचायत है आपकी? बाइगोर पंचायत। क्या समस्या है बताइए। ये कुछ रोजगार नहीं मिल रहे और सरपंच साहब ने मशीनरी लगा के काम कर रहा और गांव वाले को रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ पे आए। और प्रधानमंत्री योजना किसी को नहीं मिल रही, कुटीर तो आधिक लोगों को लाभ नहीं मिला। और विकलांग वाले को भी पेंशन नहीं मिल रही जी। अब 60 साल से ऊपर 70-75 साल वाले को भी पेंशन नहीं मिल रही। गांव में कोई शौचालय है, शाही शौचालय है। तो आप लोगों के ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की मजदूरी के लिए खाते नहीं खोले क्या इन्होंने? खाते खोले, खाते में पैसे नहीं आते। अच्छा। हम्म। तो ये कौन से खातों में पैसे निकालता? ये इंडिया बैंक में। अच्छा। और भी क्या समस्या आपको बता दीजिए। ये पंचायत तो कोई पता नहीं लगता, कोई ग्राम सभा रखता ही नहीं। 10 साल हो गया ग्राम सभा कैसी है लोगों को पता नहीं, गांव वाले को। हाँ जी। हाँ तो काम आया नहीं आया किसी को पता नहीं। ग्राम सभा रखे तो गांव वाले को पता लगे फलिया फलिया। हाँ। हर वार्ड में ग्राम सभा रखता ही नहीं। रखता ही नहीं। ठीक है। तो आप कोई पंचों को पता नहीं, पंचों लोगों को भी नहीं बुलाता, गांव वाले को नहीं बुलाता, मनमानी चला रहा। तो सरपंच का नाम क्या है दादा इसका? जीजाबाई सगन। अच्छा। और उसके घर वाले का नाम? घर वाले का नाम सगन डुडू है। अच्छा। सरपंच पति वो? हाँ पति। अच्छा।
ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी किसी को देता नहीं, देता ही नहीं। ठीक है, कुछ काम हुआ नहीं हुआ कि कौन से फूले में भवन बना, रोड बना, पुलिया बना, वो तो पता ही नहीं लगता। अच्छा, काम नहीं हुआ है पंचायत में? नहीं। और पैसे निकल चुके? पैसे निकल चुके। और इनका ये जो दीदी है इनका नाम क्या है? कस्तौरा भाई। आपका क्या नाम है? कस्तौरा भाई। अच्छा जी, आप क्या है वहाँ पंचायत में? हमारा पंचायत में कोई पैसे नहीं आते, कोई नहीं आते। रानकी भाई को घर कुटे नहीं देता, मिल जाएगा बोलता, बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा जी। मेरा सब घर गिर गया, मेरा कोई नहीं है, मेरा आदमी मर गया साहब, क्या बताओ तुमको। अच्छा भाई, है मैं जी। मकान प्रधानमंत्री योजना का जो मकान है, पीएम आवास, मिला नहीं आपको? नहीं मिला। अच्छा, और पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं, पेंशन मिलती है। मिलती है? हाँ मिलती है। ठीक है। और ये दीदी का नाम क्या है? जाम्बू भाई सुतारी। हाँ, जाम्बू भाई सुतारी। आपकी क्या समस्या है दीदी? विधवा भाई है। आप भी विधवा है? विधवा। अच्छा, तो आपकी समस्या क्या है? वो पैसे नहीं मिलते मंदिर के, मजदूरी के। हाँ, ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के। हाँ, मजदूरी नहीं मिलती? नहीं मिलती। कितना टाइम हो गया? कितना का? दो टाइम हो गए। पास है? ये इसको सरपंच रहने को कितना टाइम हो गया वहाँ पे भाईगोर में? 10 साल हो गया। 11-12 साल हो गया। अच्छा ठीक है। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? थान सिंह। क्या नाम है आपका? थान सिंह पटेल। अच्छा, क्या समस्या है आपकी बताइए? वो पंचायत में जितने काम करवाए है, वो काम अभी तक हमको लाभ मिला नहीं है। और जहाँ जहाँ काम करवाया है वो काम अभी तक हमको देखे भी नहीं है। और पैसे बहुत निकल चुके हैं पैसे पंचायत से। जो बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, वहाँ जब हमारे खाते खुले 2012 में, जो खाते खोलने के बाद अभी बैंक ऑफ इंडिया में हमको खाते दिए है, तो पूरे पासबुक खाली है। तो हमारे इतने 10 साल के पैसे जो सरकार ने हमको रोजगार दिया था, रोजगार के पैसे कहाँ गए हमारे अभी तक, ये पूछना है हमको। और प्रधानमंत्री साहब ने जो आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो पीएम आवास दिए है, ये सबको मिले हैं वहाँ पर? जो 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 उसके फेवर में है वो उसको मिले है। हाँ। जो जो ऐसे लोग हैं उनको कहीं नहीं मिले है। जो जहाँ निवासी है उनको भी नहीं मिले है, जो निवासी नहीं है उनको मिल चुके हैं। अच्छा जी। हाँ। उसने भी पक्षपात किया? हाँ, पक्षपात किया है। रोजगार गारंटी की मजदूरी भी लोगों को देता नहीं? हाँ नहीं, 10 साल हो गए अभी भी रोजगार से वंचित है हम। अच्छा जी जी। तो ये जो खाते खुले थे आपको इनकी जानकारी थी कि नहीं? बैंक खाते जानकारी है ना सर, हमारे पास पासबुक के पड़ी है ना। अच्छा। हाँ। सरदार। और कहाँ पे रहते हैं आप? भाईगोर पंचायत। हाँ। क्या समस्या है? समस्या रोजगार गारंटी का आईन देखा लिया। हाँ। मजदूरी नहीं देता? नहीं आती। और काम भी नहीं देता? काही नहीं। जॉब कार्ड बने हैं आपके? हाँ बने सर। क्या भी आना बैंक में अभी 9000 रुपया आप ही आना खाता बोल ये बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा जी, ऐसा सबके साथ हो रहा है? हाँ। कितने लोग होंगे? पूरा गांव में है। पूरे गांव के लोग? हाँ। जो इसके फेवर में है उनको दे रहा हो? अच्छा। हाँ। नाम से दादा? केल्ला राम जी। और तांडली पहुंचा तुम्हारी? भाईगोर। क्या समस्या है आप लोगों की? पानी की। बोलिए, आगे बोलिए। पानी के यो ट्यूबवेल नहीं है के हेडपम्प नहीं है हमारे उधर। अच्छा। हाँ। तो ये जल जीवन मिशन की जो प्रधानमंत्री साहब ने घर घर पानी के लिए जो योजना लाया है वो भी नहीं करा है। वो अभी तक नहीं चालू? नहीं ऐसा ही। वो भी नहीं करा है, वो कुटुर भी नहीं दिया हमारे परिवार की। हाँ। सब की नहीं दिया है। अच्छा जी। हाँ। और कोई समस्या? तेज और खेत के बाढ़ टूट गए, वो भी नहीं सुनता, वो बोलता जो बातें जब भी नहीं सुन रहा वो। हाँ। सरपंच वहाँ पर कौन है, महिला है क्या? हाँ महिला। क्या नाम है भाई का? वीर जाचुर्मी भीजा भाई। हाँ। तो वो सरपंच कौन देखता है, मतलब उसका घर वाला देखता है? हाँ, घर वाला देखता है। अच्छा, समस्या है गाँव वालों को उसके घर वाले को बताना पड़ती है? हाँ, उसको बताना पड़ता है, पर वो भी नहीं सुनता ना। ठीक है ठीक। भाईगोर पंचायत के लोग क्या समस्या लेकर आए आपके पास? आज हमारे भाईगोर पंचायत के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मेरे कार्यालय में मेरे से मिलने आए हैं। चूँकि उनकी बहुत सारी समस्या है पंचायत में, कुटीर की समस्या, विधवा पेंशन, रोजगार गारंटी, सारे चीज़ों में
आज तक कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए वो उनकी शिकायत लेके आए हैं सरपंच साहब के, जो जिनका हक बनता है कार्यकर्ताओं का। उन्होंने कई बार मांगा सरपंच से, कई बार मांग की पंचायत की मीटिंग में मांग करी, लेकिन आज तक किसी को भी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। परेशान हो गए सब पंचायत के रहने वाले सभी भाई, इसलिए वो यहाँ मेरे से अपनी समस्या का गुब्बार फोड़ने आए हैं। आज मैंने उनकी समस्याओं को सुना है और कलेक्टर साहब को भी ये सारी बातों से अवगत कराऊंगी। समय आने पर यदि कलेक्टर साहब भी नहीं सुने तो हम सब मिलके कार्यालय में धरना देंगे, ये हमारी मांग है आज की तारीख में। धन्यवाद।